हेलो एवरीवन, आपके सामने कुछ अलग अलग तरीके के कोकेडामा रखे हैं। वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पेज। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पर कोकेडामा बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोकेडामा क्या है। कोकेडामा जैपनीज टेक्निक से किया जाने वाला एक प्लांटेशन है, जिसके अंदर हम लोग जो प्लांट की जो रूट्स होती है उनको एक बॉल में पैक करते हैं। इसको स्ट्रिंग गार्डन भी कहा जाता है, इसको मॉस बॉल भी कहा जाता है और इसको कोकेडामा भी कहा जाता है। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, और मॉस बॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको मॉस से कवर करते हैं लास्ट में। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि कैसे हम उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली जो रूट्स हैं, अब किस किस तरीके के उसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसको पानी कैसे देना होता है, कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी रहे तो प्लीज़ यहां पर मुझे पूछें और कमेंट करें। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं आपको दिखा देती हूं किस किस तरीके के मैंने कोकेडामा लगा रखे हैं, जो मैंने तैयार कर रखे हैं। और बेसिकली मैं जो आपको बताने वाली हूं वो सारे ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूं जो ईजिली, अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आपके पास मटीरियल जो है वो सब घर पर आपको मिल जाए, मैं ऐसा ही आपको बताने वाली हूं। और ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम जुगाड़ करके अभी बना सकते हैं, वैसे मैं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कुछ जो मैंने लगा रखे हैं। मोस्टली तो मैंने, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मोस्टली तो मैंने जो लगा रखे हैं वो सारे इंडोर प्लांट्स हैं यहाँ पर, कुछ कुछ मैंने आउटडोर भी लगा रखे हैं। तो इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट्स हम कोकेडामा में लगा सकते हैं। इधर आप ड्रेसिना की वैरायटी देख रहे हैं, इधर ये पाम की वैरायटी है, फिर ये हमारा सिंगोनियम पिंक है, और ये मैंने स्पाइडर ग्रास लगा रखा है, यहाँ मैंने अरेलिया प्लांट लगा रखा है, ये हमारा मुंडू ग्रास है। फिर अगर हम इधर चलें तो ये हमारा, मैंने नियॉन मनी प्लांट लगा रखा है, ये हमारा अरेका पाम का जो है स्मॉल वैरायटी है मेरे पास में अरेका पाम की, वो मैंने लगा रखी है। इधर हम चलें तो ये हमारा लक्की बैम्बू मैंने डाल रखा है। लक्की बैम्बू, जो लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं उनको तो मालूम है कि लक्की बैम्बू पानी में भी होता है और सॉइल में भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि लक्की बैम्बू सिर्फ पानी में उगाया जाता है। नहीं, वो दोनों में उगाया जाता है। और ये लक्की बैम्बू हमारा जो है, मैंने देखी आप कोकेडामे में लगाया है और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा ग्रीन दिख रहा है। ये मैंने एक सिंगोनियम और लगाया है, ये थोड़ी मिनेचर वैरायटी है। उसके बाद में ये हमारा आउटडोर है, जितने भी मैंने दिखाया सिर्फ उसके अंदर ये वाला जो प्लांट है हमारा मुंडू ग्रास, ये सेमी शेड और आउटडोर प्लांट में आता है। उसके बाद में ये जो है हमारा हार्ट पर्पल, ये वाला हमारा कंप्लीट आउटडोर में आता है। ये वाला प्लांट जितना अगर हम इसको धूप में रखेंगे उतना ही इसका कलर ब्राइट होगा, और इवन मॉर्निंग तक तो इसके फ्लावरिंग, जिसके फ्लावर था वो भी हमारा खिला हुआ था। तो कितना अच्छा इसकी ग्रोथ आप देखें, कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही लंबा ये होता जा रहा है। मैंने जब लगाया था तो उसकी जो साइज़ थी सिर्फ इतनी थी, इतने इतने से थे, और अभी इतना लंबा ये हो गया है। और इसको मैं एक बार बीच में काट भी चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बताने वाली हूँ, बनाने वाली मैं हूँ, हमारा जो एंगुलिमा ग्रीन है प्लांट उससे मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में मनी प्लांट से कैसे लगाया जाता है वो भी मैं बताऊँगी। और एक ही कोकेडामा में हम एक से ज़्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर हमारा कोकेडामा ये एक प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट के साथ में हम दो प्लांट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में सॉइल कौन सी है, ये मेरी सॉइल है। तो ये देखिए, ये मेरी सॉइल है, ये गार्डन सॉइल, और प्लस गार्डन सॉइल के साथ इसके अंदर हमारा कंपोस्ट मिक्स है, प्लस हमारा इसमें कोकोपीट मिक्स है। तो जो कोकोपीट मिक्स है, या फिर हम कितनी गार्डन सॉइल लेंगे, और ये मैं आपको एग्जैक्ट
जो है वो नहीं बता सकती कैसा है, कि इसका जो मेथड है उसके अंदर कितना, जो अभी इसको जब हम बॉल बनाएंगे तो मैं उस वक्त आपको बताती हूँ। रीज़न कैसा है कि अलग अलग हम, मैं नॉर्थ से हूँ तो जब मैं नॉर्थ में थी तो मैंने वहाँ सॉइल जो देखी, वहाँ अलग तरीके की सॉइल होती है। फिलहाल मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में एक अलग तरीके की सॉइल होती है, तो सब जगह अलग अलग तरीके की सॉइल होती है। तो नॉर्मली आपको जो लेनी है गार्डन सॉइल लेनी है, और इसको जब हम बांधेंगे तब उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके की आपको कितनी क्वांटिटी की सॉइल और किस तरीके कितनी क्वांटिटी कि आपको कोकोपीट लेने की जरूरत है। तो नर्सरी लाइव से या कहीं भी आप ऑनलाइन जब पौधा मंगाते हैं तो आप देखें आपकी जो मिट्टी होती है वो इस तरीके की भुरभुरी होती है, मतलब उसमें कोकोपीट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से ये ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्लांट है जो कि जिसकी मिट्टी आपकी ऐसे सख्त नहीं है, जिसकी मिट्टी आपकी बहुत ही ऐसे सॉफ्ट है, बुरबुरी सी मिट्टी है, तो आप वो वाली मिट्टी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको वही मिट्टी मैं आपको बता रही हूँ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पॉट की, अगर आपका उसमें कोकोपीट मिला हुआ है तो। ये देखिए ये किस तरीके की बुरबुरी मिट्टी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यहाँ पर पूछिएगा, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी वेट है और ये हमारी ड्राई है। अभी ये मिट्टी मैंने यहाँ पर कौन सी ली है, ये जो है मिट्टी ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, ये देखिए कितनी हार्ड मिट्टी है। बेसिकली जब प्लांटेशन जब किया जाता है पॉट्स इसके अंदर थैली के अंदर जब प्लांटेशन जब किया जाता है, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हमारे आते हैं ऐसी एक टोकरी के अंदर आते हैं, तो जो नर्सरी के अंदर जो भी नर्सरीज उनके अंदर पौधों को पहले ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद में प्लास्टिक की एक थैली होती है उसके अंदर इसको डाल देती है। तो बेसिकली प्लांट तो हमारा इसमें ग्रो होता है, जो सारी चीज़ें हैं एक बार को इसी में होती है, और बाकी जो सारी जो चीज़ें होती है उसके अंदर जो पूना में नर्सरी वाले जो यूज़ करते हैं वो फिर ऐसी चिकनी मिट्टी कोई भी मिट्टी यूज़ करते हैं। तो आप क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं से भी मिट्टी लेकर आ रहे, आप प्लांट लेकर आ रहे हैं नर्सरी से आजू बाजू, तब तक तो वो प्लांट चलता है लेकिन फिर बाद में चलता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी चिकनी मिट्टी लेनी है, ये आप देखेंगे ये चिकनी मिट्टी है, थोड़ी सी सख्त होती है, ठीक है। ये मिट्टी आपको लेनी है, ये मैंने थोड़ी सी अपनी जो चिकनी मिट्टी है उसको तोड़ा है। अभी आप ये कलर का डिफरेंस देखेंगे किस तरीके की ये चिकनी मिट्टी है हमारी। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ये हमारी जो हमने पॉट में से डायरेक्ट निकाली थी वो मिट्टी है, ये हमारी यहाँ पे चिकनी मिट्टी है। हाँ, कोकोपीट इज मस्ट, विदाउट कोकोपीट इट विल नॉट बैंड नॉट बाइंड, और डिपेंड करता है कि अगर आपके यहाँ पर मिट्टी कुछ इस तरीके की है, जब बॉल बनने के बाद आप देखेंगे क्या चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ जिसके लिए कोकोपीट की ज़रूरत है। तो मे बी अगर आप जिस स्टेट में आप रह रहे हैं इंडिया के, उस स्टेट के अंदर अगर कुछ इस तरीके की मिट्टी है जहाँ पर इस तरीके से ये बन जाएगा अगर बॉल, तो आप कोशिश करके आप देख सकते हैं। और चिकनी मिट्टी भी आपके, अगर आपके पास में कुछ भी गमले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी चिकनी मिट्टी होगी। आप देखें कैसे लाल कलर की मिट्टी है, पूना से आने वाले सारे गमलों में ऐसी मिट्टी रहती है यहाँ तो, लेकिन आपको और भी जगह, मैं दिल्ली भी रही हूँ तो वहाँ पर भी ऐसी मिट्टी रहती है, तो आपको ईजीली आपके किसी ना किसी पॉट में इस तरीके की मिट्टी मिल जाएगी। तो ये हमारी चिकनी मिट्टी हो गई और प्लस ये हमारी कोकोपीट हो गई। अब इसको मैं इसके साथ मिक्स करके बॉल बना रही हूँ। इस तरीके से तैयार होनी चाहिए, ये बिखरनी नहीं चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा
चिकनी नहीं होनी चाहिए। और जब इसको हम बीच में से ऐसे हाफ करके देखें, देख रहे होंगे आप ये हाफ करके देखें, तो ये आराम से इस तरीके से निकले, इसमें रैशेस जैसे ये दिखे, तो वो जो हमको दिख रहे हैं वो कोकोपिट के लिए हैं। ठीक है, ये आपकी बॉल जो है वो बिखरनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी भी इसमें नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी अगर इसके अंदर आएगी तो आप ये समझिए कि जो हमारी जो रूट्स है वो बढ़ नहीं पाएगी। यही कारण होता है कि हम जो नॉर्मल नर्सरी से प्लांट्स लेकर आते हैं उनकी रूट्स को अंदर बढ़ने को जगह नहीं मिलती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये मेरी बॉल तैयार हो गई। बॉल की साइज़ क्या बनेगी वो डिपेंड करता है आपकी प्लांट्स की रूट पर। और आप प्लांट्स तो इसमें मैंने आपको इतने सारे दिखाए हैं वो डाले ही हैं, फ़न भी आप किसी भी तरीके का फ़न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ़न आप यूज़ करेंगे या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनकी मदर रूट्स जो हैं वो डैमेज नहीं करनी है आपको जब आप उसको प्लांट कर रहे हैं। अभी ये हमने बॉल बनाने के बाद में इसको हमको बीच में से डिवाइड करना है ऐसे, और उसके बाद में ये हमारी इसकी रूट्स है। ये मेरा एक प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था तो इसको मैंने उसमें से निकाल के अलग किया है, और इसकी रूट्स अब ये यहाँ से ये इतनी सी है लेकिन ये डेवलप हो जाएगा अच्छा और ये घना हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये प्लांट आज चूज़ किया है। और ये हम यहाँ इसके सेंटर में यहाँ लगा देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अभी हमको ये तो हम सिंगल हम लोग सिंगल प्लांट इसके अंदर लगाने हैं, अगर हमको डबल प्लांट लगाना है तो वो कैसे हम लगाएंगे तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। नहीं बनाना है अगर आपको इसको ऐसा लिटा के इसको बैठा के ऐसे रखना है तो इसको ऐसा करके एक बार आप ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपको नीचे से ये जो बेस है ऐसा बन जाए। कैसे आप लोग डबल प्लांट लगा सकते हैं। और एक प्लांट और मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये इजीली आपके पास में घर पे होगा, ये मनी प्लांट है, बहुत ही लंबा मेरा हो रहा है। अभी आप देखें इस प्लांट की ये इस तरीके से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं यहाँ। ठीक है, तो मैं इतना लंबा इस प्लांट को रखना चाहूँगी और मैं ये कट कर रही हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ ये रूट्स जो है ये मेन रूट्स यहाँ मैंने ये डाली है, उसके साथ ही ये वाला मैंने प्लांट भी यहाँ डाला है, और उसके बाद जो ये हमारी बॉल का जो ये आधा पार्ट था वो मैंने इसको यहाँ लिया है और इसको मैंने ऐसे कवर किया है, और दोनों प्लांट ये अच्छे से इसमें ग्रो करेंगे। लेकिन ये दो प्लांट के लिए थोड़ी बॉल का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो चाहे तो आप इसको नीचे की तरफ ले सकते हैं, तो मुझे लग रहा है मैं इसको नीचे लेना पसंद करूँगी। ये दो प्लांट मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये हमारे दो तैयार हो गए हैं, अभी हम आगे का प्रोसेस इसका करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा मॉस। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जो मॉस है, अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा बाबा हमारे पास मॉस ही नहीं है, बिना मॉस के कैसे हम बनाएंगे, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है बिना मॉस के हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये ड्राई कंडीशन में ऐसे है तो भीगने के बाद में ये फूल जाती है, और मैंने इसको इस तरीके से बिछा दिया है जिससे मैं इजीली मेरे जो मैंने जो बॉल बनाई है उसको मैं कवर कर सकूँ। अच्छा, ये मॉस वही मॉस है जो कि मॉस स्टिक पे लगी रहती है, ये मनी प्लांट की जो मॉस स्टिक होती है उस पर लगी रहती है, ये वही मॉस है। तो ये मैंने यहाँ पर हमारे इसके सेंटर के अंदर मैंने मॉस को मॉस के सेंटर में मैंने इसको रख दिया है, और अब मैं इसको इससे कवर कर दूंगी। ये हल्की वेट है मॉस ना, हल्की वेट है, ऐसा नहीं है ये कंप्लीट ड्राई है। मैंने थोड़ा सा जल्दी ये हो जाए इसके लिए इसको एक कपड़े पे लेके और ऐसे बिछा के रख दिया था गोलाई में, जिससे कि ये फटाफट हो जाए हमारा काम।
ये जो मॉस है वो हमारे जो पेड़ का जो तना है उस पर ये ग्रो होती है, और मैंने ये मॉस ग्रो होते हुए जो मुंबई के पास में एक हिल स्टेशन है माथेरन, मैंने वहाँ बहुत सारे पेड़ों में ये देखी, वहाँ पर मैंने भी पहली बार अपनी लाइफ में देखी। मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ तो पानी की इतनी कमी है, कितनी ग्रीनरी रहती नहीं है, लेकिन मुंबई के पास में माथेरन एक जगह है जहाँ पर वहाँ के जब आप बारिश के मौसम में कभी आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर कि ये मॉस ग्रो होती है, और भी कई जगह होगी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ ये देखी। अभी मैंने ये मॉस को चारों तरफ से देखेंगे आप ये सारी जगह से इसमें कवर कर दिया, कहीं से भी आपकी जैसे यहाँ दिख रही है ये सॉइल दिखनी नहीं चाहिए, ये पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा यहाँ और लगा दीजिए और पूरा इसको कवर कीजिए। उसके बाद में ये हमारा नॉर्मल धागा है जो हम लोग सिलाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उससे इसको पूरा हमको कवर कर देना है। ये हमारा पूरा जो है कवर हो गया है, इसमें कहीं से भी कोई चांसेस नहीं है आपके मॉस निकलने के। तो मैंने इसको तोड़ दिया है और मैं इसको रख के भी देख लूँगी कि ये मेरा इधर उधर लुढ़क तो नहीं रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर अच्छी शेप जब तक नहीं आएगी तो कोकेडामा हमारा सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये एक अच्छा दिख रहा है। अभी हमारे पास मॉस थी तो हमने इसको मॉस से कवर कर, तो उसके बाद में हमारा ये कोकेडामा ये हमारा रेडी हो गया। अच्छा, अब पहले मैं आपको इसको जूट से कवर करके बताती जाती हूँ। जूट है जिससे हम इसको कवर करने वाले हैं ऊपर से थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रखना चाहें तो आप ऐसा रख सकते हैं। ये जो जूट है थोड़ा पतला ज़्यादा है, मुंबई में ऐसा ही जूट मिलता है, थोड़ा आप मोटा लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ थोड़े टाइम बाद में ये टूट जाता है। और अगर आपको किसी को गिफ्टिंग के लिए देना है तो आप इस तरीके के जूट, जो कलरफुल जो जूट होते हैं, ऐसे वाले जूट भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सुंदर दिखता है। तो हम लोग जो लेने वाले हैं, हम लोग ये दो कॉम्बिनेशन लेके हम लोग ऊपर से इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं एक नोट बांध लूँ, ये यहाँ से नीचे की तरफ उसको मैंने लेटा दिया है, और ऐसे मैं नीचे की तरफ इसको।
ये वाला हमारा जो है तैयार हो गया है। ये यहाँ पर इसको मैंने ऐसे टाई करा है, चाहे तो इसको सिर्फ ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ से ऐसे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो आप इसको इजीली आपकी बालकनी में, कहीं विंडो ग्रिल पे, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, और कहीं पे अगर आप चाहें तो इसको कहीं पर भी ऑफिस डेस्क पे भी आप रख सकते हैं, इस तरीके की प्लेट में रख के रख सकते हैं। तो इसको अच्छा, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, और आप कोशिश करें कि आप डालें ही लो मेंटेनेंस प्लांट, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं वाटरिंग मेथड आपको बता देती हूँ। इसके दो तरीके हैं पानी देने के। एक तरीका है, हम स्प्रे से हम पानी दे सकते हैं, ये तो ये हमारा इस तरीके से इस पर पानी दे सकते हैं। तो आपका, आपने ऊपर टॉप पे पानी डाला तो आपका इजीली ये जाएगा। ये जो तरीका है इससे क्या होगा कि ठीक है, ये तो पानी, बॉटल भी थोड़ी गंदी हो रही है, पानी भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ आपका कैसा होगा कि ये जूट का कलर और ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सेकंड वाटरिंग मेथड है, पानी की आपको बाल्टी लेनी है, और ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे, ये बबल्स दिख रहे हैं, इट मीन्स हमारे पौधा प्यासा है, इसको प्यास लग रही है। जब तक इसके बबल्स निकलते रहेंगे तब तक आपको खाली इसको पानी में रखना है। और जो सॉल्यूशन, जो मैंने जितने भी सॉल्यूशंस आपको जो बताए हैं, जो आपको अगर कीड़े लग गए हैं तो नीम का स्प्रे है, तो आपको जो पानी जो बनाना है ये जिसमें आपको डिप करना है, तो उसी में आपको नीम के स्प्रे आपको डाल देना है, नीम का पानी, और फिर इसको डिप कर देना है, तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका पानी के साथ में इधर अंदर चला जाएगा। या फिर कोई फर्टिलाइज़र अगर आपको देना है तो वो भी आप फर्टिलाइज़र, लिक्विड्स फर्टिलाइज़र आप दीजिए, तो वो आपके पानी के अंदर आप डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको पानी को ऐसे डिप करके और जब पानी देंगे पौधे को, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।